तो आज का जो टॉपिक है कि फॉलो अप करना और रिलेशन बिल्डिंग करना, ये फॉलो अप और रिलेशन बिल्डिंग, ये दोनों चीजें अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से के साथ अगर इसको देखते हो तो दोनों पॉइंट फॉलो अप एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में से अगर एक भी हद गया या तो एक भी मिसिंग हो गया तो वो बिजनेस पत्र में बैठेगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ना फॉलो अप अगर आप नहीं करोगे तब भी बिजनेस नहीं होगा, अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग करना स्टॉप कर दोगे तब भी बिजनेस नहीं होगा। अभी फॉलो अप एंड रिलेशन बिल्डिंग अगर आप देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, दोनों बहुत ही सिमिलर पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ जब फॉलो अप की बात आता है एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात आता है तो मैं पहला चीज बोलना चाहूंगा, फॉलो अप ऐसा चीज नहीं है कि आप मनी मन सोच लिए कि चलो मैंने तो बाकी सारा काम कर दिया, फॉलो अप मुझे बहुत बोर लगता है करने से, मैं फॉलो अप नहीं करूंगा, बाकी का मैं सब कुछ कर लिया लेकिन ये जो फॉलो अप है ना ये मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाता, बहुत बोरिंग लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है फॉलो अप करना, मुझे उसमें मजा नहीं आता, तो मैं इसको नहीं करूंगा, बाकी काम मैं अच्छे से कर लूंगा। फॉलो अप कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, फॉलो अप करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो बिजनेस आपका नहीं होगा, आपका ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये फॉलो अप में और आप अगर देखो बिजनेस में ना, सिलेक्टिंग राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉलोइंग अप विद दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग भी, दोनों एक साथ आता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको आने वाले दिनों के लिए आपको हेल्प करेगा। देखिए पहले ऑफलाइन को समझ लीजिए तो उसको ऑनलाइन करने में आपको ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उसको बेसिक जो है बेसिक्स उसका जो मेथड है बेसिक साइंस जो है आप अगर उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो उसको ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ये दोनों चीज में आपको करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ ये जो फॉलो अप है उसके पहले अगर आप देखो, उसका थोड़ा सा पहले वाला फेज अगर देखो तो जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाते हो तो यहाँ पे एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है अपने प्रोस्पेक्ट का और आपका, ये दोनों का इंक्लूजन, दोनों का इंक्लूजन यानी कि दोनों का एक साथ मिलजुल हो जाना, दोनों का एक के साथ दूसरे का अंडरस्टैंडिंग मीट करना, एक दूसरे के साथ जो थॉट प्रोसेस है उसका मैच करना, दोनों के लाइकिंग्स को मैच करना, दोनों अंडरस्टैंडिंग बैठना, ये सारा चीज होना बहुत जरूरी। अब ये कब होगा, व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड रिलेशनशिप, जब आप एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे तब ये चीज होगा यानी कि इंक्लूजन होगा। तो पहले रिलेशनशिप, हर एक फेज में ये रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, आप जब ऑनलाइन पे अपना प्रोफाइल बनाते हो, जो अलग अलग तरह के सोशल मीडिया होता है जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके क्या होते हैं सोशल मीडियाज होते हैं, तो वहां पे आप अपना प्रोफाइल्स बनाते हो। जब प्रोफाइल्स बनाते हो तो आपका पहला फोकस एक होना चाहिए, नए लोगों से मुलाकात करना, नए लोगों के साथ दोस्ती करना और रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना। रिलेशनशिप जब बिल्ड होगा तभी आपका बिजनेस होगा, क्योंकि एक बिजनेस में ना डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी बाद में आता है, पर्सन पहले आता है। इट्स अ पीपल्स बिजनेस, इट्स अ पर्सन बिजनेस, पीपल चूज पीपल। आपसे वो रेफरेंस मिला, फिर आपको पसंद आया, आपकी बातों में कुछ अच्छा लगा कि यस आई कैन डू इट्स डू समथिंग, उसके बाद जो रिलेशन एंड ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना, उसके बाद वो आके कहाँ पहुंचे, ऑफिस में पहुंचे और बिजनेस स्टार्ट हुआ। ये रिलेशनशिप ही होता है जो आपको बिजनेस में कामयाब बनाता है। सेल्स विल कम, डोंट वरी एट ऑल, सेल्स विल कम, फर्स्ट फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, फर्स्ट फोकस ऑन टीम बिल्डिंग, फर्स्ट फोकस ऑन फॉलो अप। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि सेल नहीं होना है, सेल एक बहुत एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, सेल नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ये सबको मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने हाथ में प्रोडक्ट लेके घर घर बेचने जाऊं, और किसी को पुश भी नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट लेने के लिए। बिजनेस हमेशा कब होगा, जब आप एक 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 पार्टनरिंग एटीट्यूड की तरफ आएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आपको यस बोल दिया है तब तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने यस नहीं बोला है और आपने जो जो चीजें बताई उनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट आया है, थोड़ा ट्रस्ट नहीं आया है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरा अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए, सेकेंड अपॉइंटमेंट, यानी कि अगेन फॉलो अप, अगेन फॉलो अप, अगेन फॉलो अप, अगेन फॉलो अप, ये इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो आप ऑनलाइन अगर आप उसको बिजनेस को करते हो तो ऑनलाइन में अगर आप फॉलो अप करोगे तो कैसे करोगे, एक व्यक्ति को ऑनलाइन कम्युनिकेट करोगे,
ऑनलाइन मैसेज करोगे या तो ऑनलाइन वीडियो कॉल करोगे या तो ऑनलाइन जूम पे आप उनसे बात करोगे, ठीक है। काम बिहाइंड द सीन काम एक ही है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स अलग अलग है। अगर आज की डेट पे हम लोग सेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का करने का जो चीज है, वो कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस है, वो बिजनेस वही है, वेस्टीज ही है, डायरेक्ट सेलिंग ही है, लेकिन माध्यम अलग अलग है। पहले हम ऑफलाइन करते थे, सेशन क्लासरूम में बैठ के करते थे, अभी हम लोग हमारा वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप बात करोगे, उसके थ्रू बात करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे। टाइमली फॉलो अप बहुत जरूरी है, कभी भी जब आप बिजनेस करो टाइमली फॉलो अप, वक्त का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि फॉलो अप का मतलब है कि सिर्फ जाके हाय हेलो बोल के चले आएंगे और बाकी तो कुछ करना है नहीं। जी नहीं, फॉलो अप जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल जो होता है ये यही से जनरेट होता है, फॉलो अप से ही जनरेट होता है। प्रोस्पेक्टिंग से प्रोस्पेक्ट जनरेट होता है, लेकिन फॉलो अप से सेल्स जनरेट होता है, और सेल्स जनरेट होगा तभी तो बिजनेस होगा। फॉलो अप अगर नहीं होगा तो सेल जनरेट नहीं होगा, सेल जनरेट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। और इसीलिए ये फॉलो अप को ना सही वक्त पे करना बहुत जरूरी है। टाइमली फॉलो अप अगर नहीं होता है और आप उसको देरी करते हो तो उससे जो रिजल्ट आने वाले थे ना वो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। मिनिमम प्रोस्पेक्टिंग के 2 से 4 दिन के अंदर फॉलो अप होना चाहिए। जब भी आप कभी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, वो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे हो तो जूम में आप फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू अगर फॉलो अप कर रहे हो या तो मोबाइल फोन के थ्रू अगर फॉलो अप कर रहे हो तो भी आपको 2 से 4 दिन के अंदर अंदर वो फॉलो अप होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो ट्राई कीजिए कुछ ऐसे माध्यम जैसे स्काइप हो सकता है, जूम हो सकता है, जहाँ पे आप वर्चुअली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो और वर्चुअली आप उन दोनों के साथ आप सामने बैठ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि पहले के वक्त में एक व्यक्ति आपको टाइम देने से कतराता था, लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से आपको टाइम देने पे कोई व्यक्ति आपको कतराएगा नहीं, क्योंकि उनके पास उनके कन्वीनियंस के हिसाब से आप उनके पास टाइम रहता है। टूल्स की बात करूंगा तो टूल्स के ऊपर आप देखो, आपके पास थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम करने का सामग्री यानी कि उनका जो टूल्स है वो होना चाहिए। पहला चीज, यू शुड हैव एटलीस्ट 1 मोबाइल फोन और अ टैबलेट। टैबलेट या तो मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर टैबलेट है तो और भी अच्छा है, लैपटॉप है तो और भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट इनमें से कुछ तो होना चाहिए। दूसरा चीज है इंटरनेट होना चाहिए। तीसरा चीज है थोड़ा बहुत इसको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे मैं हैंडल करूंगा, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, बेसिक जो आपको नॉलेज होता है। ऑलवेज ट्राई करिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, अभी आप फॉलो अप के लिए जाओगे या तो बिजनेस क्लोज करने के लिए, सेल्स क्लोजिंग के लिए जाओगे तो आपको फॉलो अप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि व्यक्ति से बात करने के लिए आप एक टाइम स्लॉट ले लो, उनसे अपॉइंटमेंट ले लो और अपॉइंटमेंट में बैठ के उनसे बात करो। अभी टाइमली फॉलो अप में जो 2 से 4 दिन के अंदर है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीटिंग करना है, ठीक है। और मीटिंग में क्या होगा, जो बिजनेस है वो बिजनेस के बारे में बात होगा कि क्यों ये बिजनेस मेरे प्रोस्पेक्ट को अच्छी लाइफ देगा, व्हाई हाउ, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। जब तक आपका सेल्स क्लोजिंग नहीं हुआ तब तक आपका मीटिंग खत्म नहीं हुआ, ये मान के चलो। और थोड़ा ना भी बोलना चाहता है, थोड़ा हाँ भी, अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ, कन्वर्सेशन आधा हो गया, मैंने कुछ चीजें उनको अच्छा लगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आया, वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में थी, तो हमें दूसरा सेटिंग के लिए, दूसरा मीटिंग के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। और दूसरी बार जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारे पास और भी साधन और भी सामग्री होनी चाहिए उनके साथ शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनको शेयर करने के लिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन, वो साधन उनको मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो। और ये जो मैं कर रहा हूँ इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा और मेरे प्रोस्पेक्ट का रिलेशन को भी मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, रिलेशन को डेवलप करिए, क्योंकि रिलेशन जब डेवलप होगा बिजनेस तभी होगा। अक्सर देखा जाता है कि इतना जल्दी बिजनेस कन्वर्ट नहीं होता या तो सेल्स क्लोज नहीं होता है, कभी कभी होता है सही मायने पे यस मिलता है, कभी कभी नो मिलता है, तो इससे कभी आप डरिए मत या तो कभी भी डिसहार्टेड मत होइए। और ऑलवेज रिमेंबर, हैव पेशेंस, ये तीसरा वाला मैं आपसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन अपना जो पेशेंस है उसको मत लूज करिए, डोंट लूज योर पेशेंस, होगा, डेफिनेटली होगा, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज को
होने के लिए वक्त लगता है, हर अच्छी चीज को होने के लिए टाइम लगता है, तो वो आप टाइम आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है 2 से 5 मीटिंग्स की जरूरत होती है, 2 से 5 फॉलोअप्स की जरूरत होती है, तभी जाके एक व्यक्ति राजी होता है। ये राजी होना, यस बोलना, यहाँ पे आपको क्या काम आएगा, यहाँ पे आपको काम आएगा रिलेशनशिप बिल्डिंग, यहाँ पे आपको जरूरी होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। देखिए, फॉलोअप एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग ये दोनों साइड बाय साइड जा रहा है, साइड बाय साइड जा रहा है। फॉलोअप भी कर रहे हो, और जैसे जैसे एक व्यक्ति को आप पहली बार मिले, दूसरी बार मिले मीटिंग के दौरान, तीसरी बार मिले मीटिंग के दौरान, चौथी बार मिले मीटिंग के दौरान, यानी कि 1, 2, 3, 4 बार मिल चुके हो आप एक व्यक्ति को, तो ये 1, 2, 3, 4 बार जब आप मिले, क्या ये 4 मीटिंग्स में आपका रिलेशनशिप फ्रॉम बेसिक टू बेटर हुआ, बेटर टू द बेस्ट हुआ, बेस्ट टू द एक फ्रेंडशिप जैसा हो गया? क्या हर मीटिंग में आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है? पहला रिलेशनशिप में आपने उनके साथ फॉर्मली बात किया होगा, या तो सर सर करके बात किया होगा, फिर दूसरे मीटिंग में आपने उनकी फैमिली के साथ बात किया, या तो उनके फैमिली में क्या क्या हो रहा है, क्या कौन कौन है बात किया, फिर और थोड़ा क्लोज हो गए। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का प्रोसेस है। एक व्यक्ति कब ये बोलेगा, जब आपके साथ वो व्यक्ति का क्या होगा, फेथ इंक्रीज होगा, मेरा खुद का फेथ बनना पड़ेगा, मेरा खुद का ट्रस्ट लेवल बढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे? बिजनेस के ऊपर, प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये सारे चीज के ऊपर मेरा ट्रस्ट बढ़ना पड़ेगा, मेरा ट्रस्ट मेरे अपलाइन के ऊपर भी बढ़ना पड़ेगा। ये कब बढ़ेगा? जब रिलेशनशिप इसमें काम करेगा, रिलेशनशिप जब बिल्डिंग होगा। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा सोचने का जो तरीका है, मेरे सामने वाले व्यक्ति का भी मेरा सोचने का तरीका है, ये अंडरस्टैंडिंग मैच करेगा तभी होगा। जब तक आपके सामने वाला व्यक्ति आपको कड़े शब्दों में या तो ना नहीं बोल देता या तो हाँ नहीं बोल देता, फॉलोअप जारी रहनी चाहिए। जो आप फॉलोअप जारी रख रहे हो उसमें कुछ चीजें आपके काम आएंगी, वो है टूल्स एंड प्रोग्राम्स। ओके, जब आप टूल्स एंड प्रोग्राम्स का यूज करोगे सही समय पे, सही तरीके से, तो आपको हेल्प करा। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज यूज योर टूल्स एंड प्रोग्राम्स एवरी टाइम, वो चाहे ऑनलाइन हो, वो चाहे ऑफलाइन हो, एवरी टाइम जब भी आप किसी से बात करो, प्रोस्पेक्ट से बात करो, फॉलोअप कंप्लीट करो, कुछ ना कुछ अपने प्रोस्पेक्ट को दे के आओ। मैंने ना आपको मेल किया है कुछ डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप किया है कुछ वीडियोस, कुछ स्टडी मटेरियल आपको भेजा है, या तो ऑफलाइन में अगर है तो हो सकता है कि कुछ ब्रोशर आप दे रहे हो, 1 या 2 ब्रोशर आपने दे दिया, हो सकता है एक कैटलॉग दे दिया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बक्सा दे दो, नहीं, एक एक छोड़ के आओ, एक एक, एक दिन में एक ही काफी है। वो प्रोडक्ट देखा, कैटलॉग देखा, समझ गया, उनको थोड़ा क्लियरिटी आ गया, उस दिन राजी नहीं हुआ तो अगली डेट एक मांग लिया आपने, तो दूसरा डेट पे आप जब जा रहे हो तो फिर से अगेन कोई कैटलॉग या तो ब्रोचर उनको दे दो, ऑनलाइन में अगर है तो कोई लिंक दे दो, या तो डाउनलोड करके PDF फाइल उनको दे दो, जो जो आपके पास अवेलेबल है। कंपनी बाकी का चीज नहीं चाहिए, छोटा इजी जो डुएबल है, रीडेबल है, वो उसको दीजिए, या तो कोई अच्छा वीडियो कंपनी का जो आपको यूट्यूब से मिल गया, वैसे इसका जो ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है वहां से आपको मिला, जहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपने उसको शेयर किया। ये जो टूल्स है ये क्या काम करेगा, अभी तो आप सेशन कर रहे हो, अभी तो यहाँ पे ट्रेनिंग में आप बिजी हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो और टूल्स आपका वहां पे काम कर रहा है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। टूल्स का फायदा यही है, जब आप रेस्ट कर रहे हो आपका टूल्स लेकिन आपके बिहाफ पे कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि दे दो, दे के आओ। जैसा कि कार बुक मैंने उनको दिया कि सर एक बुक है मेरे पास, अगर आप देखना चाहते हो ना तो आप उसको देख सकते हो, मैं आपके घर में छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मतलब कि छोड़ के जा रहा हूँ, आपको दे नहीं दिया मैंने, मैं इसको लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, अगले 3-4 दिनों में मैं जरूर वापस आऊंगा, तब तक आप उसको पढ़ो, और जब मैं आऊंगा तो वो एक बार और फॉलोअप हो गया। ऑनलाइन में क्या करते हो, आप उनको लिंक दे देते, तो ऑनलाइन में आप फॉलोअप क्या कर सकते हो कि सर अगर आपको उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर आप उसे बोल सकते हो, या तो सर एक काम करते, कुछ दिनों के बाद मैं सर आपसे मिलूंगा एक बार, ऐसे ही आप जब आप अगर फ्री हो तो क्या हम लोग मिल पाएंगे, तो ये आप पहले से अपॉइंटमेंट लेना। ठीक है, जितने आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ट्राई करिए उनको प्रोग्राम्स में ज्वाइन कराने के लिए। कैसे प्रोग्राम्स? जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, कहीं पे CNT का प्रोग्राम हो रहा है, या तो हो सकता है VIP सेशन में बिठाइए, या तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनको बिठाइए, कहीं पे लीडर्स का हमारा क्या हो रहा है, हमारे लीडर्स का रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो रहा है, तो आप वो सारे चीजों को उनको दिखा सकते। निर्वाणा की टीम में साल के 12 महीने में तो 24 कार लेने वाले लोग होते हैं, तो क्यों ना हर महीने
अगर आप 15 दिन के बीच बीच में अगर एक एक कार अचीवर को बुलाते हो, या तो हर 10 दिन के बाद अगर एक एक कार अचीवर को आप बुलाते हो और आधे घंटे का ही सही एक उनका एक्सपीरियंस शेयर कराते हो, आधे घंटे का, ज्यादा लंबा भी नहीं, आधा घंटा का सेशन है, 45 मिनट्स का सेशन है, व्यक्ति लोग आएंगे, उनसे देखेंगे, इंस्पायर होंगे, फॉलोअप भी हो गया, प्रोग्राम्स भी हो गया, ठीक है, आप वहाँ पे रिलेशन बिल्डिंग का भी काम हो गया, बस बहुत अच्छी तरीके से आप उसको और ज्यादा आगे लेके जा सकते हो। यहाँ पे एक और चीज बहुत जो इफेक्टिव होता है वो होता है पर्सनल एश्योरेंस, और पर्सनल एश्योरेंस फॉलोअप में रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत जरूरी होता है। प्रोस्पेक्ट जो है ना ये हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उनका लीडर हमेशा उनके बगल में खड़ा रहे, तो फॉलोअप के दौरान, रिलेशनशिप बिल्डिंग के दौरान ये पर्सनल एश्योरेंस बहुत काम आता है। जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है, आपके साथ बिजनेस में आता है, तो वो व्यक्ति के साथ आपका जेन्युइनली फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए। जो केयर आप ज्वाइनिंग से पहले आप किसी व्यक्ति को करते हो, जो केयरिंग आप ज्वाइनिंग से पहले आप दिखाते हो, वो ज्वाइनिंग के बाद भी वो दिल से उनके साथ, वो ज्वाइनिंग होने के बाद दिल से उनका केयरिंग होना चाहिए, उनके साथ वो ट्रस्ट होना चाहिए, उनके साथ वो ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। और ये जेन्युइनिटी को आपको लॉन्ग लाइफ यानी ये एंटायर लाइफ के लिए सोचना चाहिए। ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये है रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस, जहाँ पे आप रिलेशंस क्रिएट करते हो, जहाँ पे आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, जहाँ पे आप एक टीम क्रिएट करते हो, एक टीम बिल्ड करते हो, जहाँ पे एक दो मेंबर्स नहीं लाखों लोग होते हैं, और लाखों लोगों का ये जो टीम है, ये जो ब्रांच है, जो नेटवर्क है, ये जो ट्री है, ये ट्री तब तक जिंदा रहेगा जब यहाँ पे क्या होगा, ऑनेस्टी होगा, ट्रूथफुलनेस होगा, सेल्स फॉलो अप, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब मिलके ही आपका क्या होता है, बिजनेस बनता है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि आप जब भी बिजनेस करो तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। ओके, जो ऑनलाइन किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, उस टाइम पे भी आपको हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका दीजिए, उनसे जितना ज्यादा हो सके आप सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिसन। आप जब लोगों को सुनने की कोशिश करोगे, तो लोगों से सुनोगे, तो आपका क्या होगा, हर बार आपको कुछ नया जानकारी मिलेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फॉलोअप और रिलेशनशिप बिल्डिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो बिजनेस नहीं होगा, ये दोनों को करना पड़ेगा, जेन्युइनली करना पड़ेगा, और इसको आप ऑप्शनल नहीं मान सकते। ऑनलाइन के लिए आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम चलना पड़ेगा, कोई कोई सॉफ्टवेयर आपके टैबलेट में या तो लैपटॉप में या तो मोबाइल पे आपके इंस्टॉल रहने पड़ेंगे, कम्युनिकेट विद पीपल, बिल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करते ही आपको जब फॉलोअप करोगे तो ऑनलाइन में अगर कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। बात लेकिन एक ही है, वो है बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज, वही पार्ट के ऊपर बिजनेस बात होगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अलग है। यहाँ पे आपको एडिशनल एडवांटेज क्या करेगा, आपके जो कॉन्टेंट आप डेवलप करते हो वो सबसे आपको मदद करेगा। कैसे कॉन्टेंट, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाया, प्रोडक्ट के ऊपर आपने कोई पोस्टर बनाया, कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन आप रिलेवेंट टॉपिक के साथ शेयर किया, कोई नया सेशन हुआ है उसके ऊपर आपने शेयर किया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसको आपने शेयर किया, वो कैसे लोगों को बेनिफिट करता है उसको शेयर कर रहे हो, जितना ज्यादा हो सके लोगों का अट्रैक्शन आप ले रहे हो, ये आपको ऑनलाइन में काम करेगा। उसके बाद बाकी जो है वो नॉर्मल कन्वेंशनल जो चीजें है, टॉपिक्स है, वो इसमें एड ऑन हो जाता है, सिंपल सा बात। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।